स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीपीसी 2024 में परीक्षा पर चर्चा 2024 में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे पास कमेंट्स आ रहे लगातार, सर हमें एक बार छात्र छात्राओं का जो लॉगिन आईडी है पासवर्ड है उसे कैसे आप लोग लॉगिन करते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं सोचा सभी का कन्फ्यूजन दूर कर लें। छात्र छात्राएँ जो हमारी छठी से बारहवीं तक के छात्र छात्राएँ उन सभी के लिए यहाँ पर एक नई वीडियो लेके आया हूँ कैसे आप सभी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप अगर पेरेंट्स हैं तो भी इसी तरीके से करेंगे, टीचर्स हैं तो भी आप इसी तरीके से रजिस्टर्ड इसके अंदर करेंगे लॉगिन कर। दो मिनट के अंदर दोस्तों आप इसमें सबसे आसान तरीके से परीक्षा पर चर्चा पर लॉगिन कर लेंगे और अपना पीपीसी सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं और आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से लाइव बातें कर सकते हैं। चलिए सीधे आप सभी को ले चलता हूं गूगल पर और आप सभी को बताते हैं किस प्रकार आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्निकल बर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दिल से धन्यवाद आप सभी छात्र छात्राओं का, क्योंकि आप सभी को लगातार इसी प्रकार की वीडियोज़ हमारे चैनल पर लगातार देखने को मिल जाती हैं। सभी लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर आ जाएंगे या डेस्कटॉप पर आ जाएंगे या लैपटॉप, कोई भी आपके पास अपना यहाँ पर टैबलेट वगैरह फ़ोन स्मार्टफोन वगैरह है तो आप लोग गूगल पर आएंगे और सर्च बार में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पीपीसी 2024 और सर्च बार में क्लिक कर देंगे। पहली वेबसाइट आप सभी के सामने आ जाएगी, परीक्षा पर चर्चा 2024 पार्टिसिपेट परीक्षा पर चर्चा कंपटीशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी यहाँ से इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वॉल्व, यहाँ पर देख सकते हैं innovativeindia.mygov.in/ppc2024 कंपटीशन देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन है अभी 12 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसकी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों इसकी पीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास आ चुकी है, अब आप क्या करेंगे दो मिनट के अंदर इसमें रजिस्टर करना है, मैंने आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पीपीसी पर कैसे रजिस्टर, और नीचे जाएंगे ये इसकी प्रधानमंत्री जी की एक्टिविटीज यहाँ पर सभी बच्चों के लिए करा रहे हैं। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए देखें innovativeindia.com पे भी जा सकते हैं आप सभी। इसका प्लेटफॉर्म है कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए। स्टूडेंट कैन बी सबमिट योर रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट में हैज़ बीन सबमिट योर 3 questions हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर से भी आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं 500 शब्दों में, और पेरेंट्स माता पिता टीचर्स भी ऑल्सो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। रिवॉर्ड्स में भी आप सभी को यहाँ पर इनाम दिया जाता है प्रधानमंत्री से बातें करने का, और एक आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा और आप सभी को एक फ़ोटो खींचने का प्रधानमंत्री जी के साथ ये मिलेगा, ग्रुप फोटो, प्रधानमंत्री जी आपसे बातें करेंगे लाइव, और परीक्षा पर चर्चा का एक किट भी दिया जाएगा। आप नीचे ले सकते हो पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर ये पेज लोड हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, innovativeindia.mygov.in पे आप लोग आ जाएंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे OTP लॉगिन विद OTP। दोस्तों सबसे सरल तरीका है लॉगिन करके आप सभी OTP अपने मोबाइल नंबर में OTP लो, सीधे लॉगिन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो पुराना प्रोसेस है थोड़ा हार्ड था उस पर भी आप सभी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। 3-4 तरीके हैं लॉगिन होने के इसके अंदर, मैं आप सभी को बता देता हूँ कौन कौन सा है। नंबर एक, अपना यहाँ पर आप सभी जो है नीचे से भी लॉगिन हो सकते हैं, टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं, लॉगिन विथ OTP लिखा हुआ है। इसमें जो है आप सभी लॉगिन करने के लिए फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से लॉगिन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मोदी जी की एक्टिविटीज़ आप सब नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट आप सभी को यहाँ पर कितनी है, 12 जनवरी 2024 को रखा गया है। चलिए, पेरेंट्स लॉग इन विथ OTP नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर भी लिखा हुआ है लॉग इन विथ OTP पे भी क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ आ गया लॉग इन टू योर इनोवेटिव अकाउंट्स। ठीक है, अपना यहाँ पर नाम डालेंगे, आपका जो नाम है जैसे आपका नाम आरती है, आरती हिंदी अंग्रेजी में आरती आरती भट्ट ऐसे लिख लेंगे आप सभी। ठीक है, या अंग्रेजी में लिख लेंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी है aarti.bhatt2025@gmail.com 2050@gmail.com वो डालेंगे, और उसमें एक लॉगिन पे उसमें एक OTP भेज देंगे। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो मोबाइल नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पेरेंट्स का डाल लो, अपना डाल लो, किसी का भी एक यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लो। चलिए मैं यहाँ पर डाल के अपना लॉगिन करके आप सभी को दिखाता हूँ लाइव प्रूफ। दोस्तों मेरा नाम आ चुका है, ऊपर देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर आ गया, और मैं अपने मोबाइल नंबर पे OTP भेज के लॉगिन करके लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, क्योंकि इस पे OTP जाएगा तभी ये ओपन होगा, अन्यथा ओपन नहीं होगा।
दोस्तों अगर एक बार में ओटीपी नहीं आया तो यहाँ पर रिसेंट के लिए बोल रहा है डोंट रिसीव द कोड, तो रिसेंट के लिए बोल रहे, तो मैं यहाँ पर रिसेंट करके आप सभी को दोबारा दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी भेज दिया गया है, अब मुझे यहाँ पर सबमिट करना है और आगे बढ़ के यहाँ पे इसे लॉग इन करके आप सभी को लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। तो बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ मेरा नाम आ चुका है, लॉग इन हो चुका है दोस्तों पीपीसी यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पर जैसे मैं पेरेंट्स हूँ तो पेरेंट्स वाले में क्लिक करके सारे एग्जाम करूंगा, तो मैं आप सभी को पहले यहाँ पर पार्टिसिपेट नाउ में क्लिक कर लेते हैं। अब पार्टिसिपेट नाउ कौन कौन कर सकता है, इसमें कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट कर सकते हैं सर। तो इस प्रकार आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी छात्र छात्राओं के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। और सीधे आप नीचे जाएंगे स्टूडेंट वाले में, यहाँ से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई है कैसे आप सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू और फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक। आज का मेरा यही टॉपिक था पीपीसी पे कैसे छात्र छात्राएं कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू। किसी प्रकार की एरर्स आती है तो उसके समाधान के लिए मुझे आप कमेंट कर लीजिए, मैं तुरंत आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद।